गृह मंत्री अमित शाह की शिकोहाबाद चुनावी जनसभा में मंत्री और दिग्गज नेता पहुंचे, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन, राम सकल गुर्जर समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं सहयोगी देवाशीष शर्मा और मयंक शर्मा ने भाजपा के कद्दावर नेता राम सकल गुर्जर से बात की। फर्स्ट इंडिया के साथ इस समय मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राम सकल गुर्जर जी। सर, स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। क्या लगता है इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ करने वाली है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो जन समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन किसी एक जाति का नहीं है, ये जन समर्थन जैसे आप देख रहे हो यहाँ अगर 10 लोगों से पूछेंगे 10 लोग अलग अलग जातियों के लोग हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग की एक जाति की पार्टी नहीं, ये आम जनता जानती है, इसलिए इसको जन समर्थन भारी मात्रा में मिल रहा है। जैसे बाकी पार्टियाँ कोई किसी वर्ग की है, कोई जात की है ना, कोई परिवार की है, ये पार्टी आप देखेंगे लगातार इसमें सबको प्रतिनिधित्व मिलता है, सबको सम्मान मिलता है, इसलिए आम जनता भारतीय जनता पार्टी से लगातार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आप लगातार एक बात कहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो लगातार विपक्षी आप पर निशाना साध रहे हैं, क्या आप राम जी से बड़े हो गए कि राम को आप लेकर आएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है, ये जनता कहती है, जनता, ये जनता की आवाज है, ये किसी नेता की या पार्टी नेतृत्व की, ये है आम जनता की आवाज, आम जनता कहती है। अच्छा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, कोई जो लंबे समय से आज भव्य अयोध्या मंदिर बन रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है, भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे। विपक्षी तो कहते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद सब हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले रही है। देखिए, ये तो अब विपक्ष क्या कहेगा, पहले कहता था देखो मंदिर बनेगा ही नहीं, मंदिर हम देखेंगे, चैलेंज करते हैं कि मंदिर का कभी उद्धार, ये मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, अब मंदिर बन गया तो दूसरी बात ले आए, इनकी अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता की आवाज है और जन विश्वास की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी बनी। आखिरी सवाल, एक जहन में लगातार जब चुनाव प्रचार में एक चीज देखी गई है कि लगातार किसान बेहद परेशान है साढ़ और गायों को लेकर, उसके लिए क्या योजनाएं हैं, क्योंकि योगी जी ने गौशाला खोलने के लिए तमाम धन आवंटित किया लेकिन गौशाला की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, तो ये जो गाय और सांड का जो मुद्दा है जो कहीं ना कहीं किसान को इफेक्ट कर रहा है, उसके लिए क्या करने वाले हैं? ये निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में इस तरह की समस्या है, लेकिन मेरा मानना है योगी जी की सरकार इसके ऊपर बेहद संवेदनशील है और मैं निश्चित मानता हूँ उन्होंने प्रयास भी किया है, उन्होंने गौवंश के लिए गौशाला के लिए कुछ पैसे भी दिए हैं, हमारे क्षेत्र में गौशाला चल रही है डॉकी पे, वो डॉकी चल रही है, वहाँ पर कुछ पैसे भी आवंटित हैं, आप देख के आएंगे तो वहाँ पर गौशाला मिलेगी, कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश जारी होगी कि किसी तरह गौवंश की रक्षा भी करना हमारे हिंदू धर्म में है, गौवंश मरे भी नहीं इसकी भी हमारी जिम्मेदारी है और गौवंश की रक्षा हो इसके लिए गौशाला खोले, ये भी सरकार निश्चित करेगी आगे सरकार आने वाली सरकार में, ऐसा मेरा मानना। राम सकल गुर्जर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आने वाली है? मेरा मानना यह है कि जो पिछले 2017 में जो सीटें थी उससे कहीं ना कहीं एक आध दो सीट ज्यादा आएगी, कम तो आने वाली है। धन्यवाद हमसे बात करने। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर राम सकल गुर्जर जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि पिछली बार की अपेक्षा सीटें ज्यादा आएंगी और कहीं ना कहीं जो चुनावी संग्राम है वो लगातार उत्तर प्रदेश में करवट बदल रहा है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने इशारों ही इशारों में मंच से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और आप देख सकते हैं कि तमाम जिस तरीके से इस पूरी जनसभा में जन समुदाय जिस तरीके से उमड़ा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार की जो जंग है शिकोहाबाद की वो किस तरीके की होने वाली है, क्योंकि मौजूदा सपा कैंडिडेट मुकेश वर्मा का क्षेत्र में बेहद विरोध है, जिसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट को मिलता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में किसके सर बंधेगा जीत का ताज और किसको शिकोहाबाद की जनता विधानसभा भेजने का काम करेगी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए विशेष संवाद।